नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपराधी सुकरा उराव गुमला में गिरफ्तार। रांची, गुमला, लोहरदगा के थानों में 10 मर्डर समेत 35 से ज्यादा मामलों में है आरोपी। उड़ीसा से रांची तस्करी के लिए आए दो आरोपी, हटिया स्टेशन में हुए गिरफ्तार। झारखंड में महिला को जलते पुआल में फेंका, चेहरा और सीने का हिस्सा जला, गंभीर हालत में इलाज जारी, टोनी बताने वाले 6 गिरफ्तार। क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में रार। 150 कोरोना मृतकों के परिवार वालों ने मांगा मुआवजा, आपदा प्रबंधन विभाग का दावा और बढ़ सकते हैं आवेदक। देश में कोरोना के 2,64,000 नए मामले, 24 घंटे में ठीक हुए 1,00,000 से ज्यादा लोग। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की दोरी से परेशान लोग, बारिश भी बढ़ाएगी मुश्किलें। देश में ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी, 5,753 कोरोना के मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि। अखिलेश यादव से मिलने के लिए चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचे। वाराणसी मकर संक्रांति के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल के लोगों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई डुबकी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट, 2 जख्मी इराकी अधिकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।